करता तुम्हें विश्व ज्योति में हे दान भरता तुम्हें काल के काल हो चक्रधारी स्वीकारो स्वयं बंधना अब हमारे करने की क्या जरूरत है। अपनी शादी को पूरे सारे 3 दिन कम सारे 11 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं। दीवार पर सारे बच्चे टंगे हुए हैं। कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि एकाध बच्चा वहाँ से उतार के मेरी गोद में फेंक दे। अपना पेट तो भर नहीं सकते हो, ससुराल में पड़े हो। अगर बच्चा हुआ तो उसे क्या खिलाओगे? अरे जब साले की बहन का सहारा लिया तो इसमें फर्क क्या हुआ? मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। बकवास बंद करो। अरे तुमको एतबार नहीं आता मेरे पे तो आओ मेरे दिल में झांक के देखो। देखो न, अरे देख ना जीजा जी। हाँ जी, सारा मजा किरकिरा कर दिया। ये सारे लोग भी मियाँ बीवी के बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते। जरा भी आगे बढ़ो के धर्म से टपको। आने आने साले भाई। हो जीजा जी, ये क्या हो रहा है? मैं कसरत कर रहा था। आप वाकई पहलवान होते जा रहे हैं। हाँ, मैं मुकदर घुमा चुका हूँ, अब बस दंड मारने की तैयारी। आप शाम तक दंड निकालिए, तब तक मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा। बंदे। अरे साले भाई, अरे साले भाई। जीजा जी, मैं एक बात भूल गया था, आते आते ग्राइप वाटर की एक बाटली लेकर आना। आजकल जरा मेरी सेहत डाउन होती जा रही। मेरे नन्हे मुन्ने जीजा जी, आपके लिए डोंगरे का बारंबार कैसा रहेगा? नहीं, मैं तो ग्राइप वाटर पीऊंगा। अच्छा, ग्राइप वाटर ही ले आऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डाक आ गई जी, तो भिजवा दीजिए। यस। लीजिए। अरे आपने तो क्लिप क्यों की? इट्स ऑल राइट। थैंक यू। और मिस वल्ला,
तुम्हारा खत मेरी रात में कैसे आ गया? मेरा खत और यहाँ? अरे ये तो उर्दू में है, जरा पढ़कर सुना दीजिए प्लीज। क्या हुआ? काफी खतरनाक खत है। खतरनाक? पढ़िए पढ़िए तो सही। डार्लिंग जी, जी मैंने कह रहा इसमें लिखा है। ओह, आगे पढ़िए। जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम्हारा ही होकर रह गया हूँ। दिन रात सोते जागते बस तुम्हारे ही ध्यान में खोया रहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। सच? हाँ। यकीन कर लूँ? किस बात पर? आप जो कह रहे। मैं तो पढ़ रहा हूँ। कभी कभी लिखने की कोशिश भी किया कीजिए। बोली लिखिएगा ना। ओ समझा, फिर नहीं सर। और नहीं तो क्या? साहब सेठ जी ने आपको बुलाया है। अच्छा, सेठ जी कब आए? काफी देर हुई। खैरियत तो है? अपने बेटे की ओवरहॉलिंग कर रहे। ओ अब मैं तुम्हें और मनमानी नहीं करने दूंगा। 2 महीने पहले 20,000 रुपए लगाए, पिछले महीने 10 लापता और इस महीने 50,000 रुपए का हिसाब नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ कहाँ डूबे सब रुपए? मुझे बहुत अफसोस है पिताजी, काफी सोचने के बावजूद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुमने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, मुझे परेशान कर दिया। दरअसल ये शिकायत तो मुझे होनी चाहिए पिताजी। खामोश! नालायक औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। नमस्ते सर जी। नमस्ते प्रकाश। ये 50,000 रुपए जो कंपनी के अकाउंट से निकाले गए क्या हुए? इसका जवाब बसंत बाबू मुझसे बेहतर दे सकते हैं। बसंत बाबू? इन्हें तो काफी सोचने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आ रहा। पिताजी एक मामूली नौकर की तरह आप मुझे दूसरों के सामने जलील करते हैं। मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, कोई क्लर्क नहीं। क्लर्क तुमसे कहीं बेहतर है जो अपनी मेहनत की कमाई खाते। तुम्हारी तरह बाप के खून पसीने की कमाई को नहीं उड़ाते। प्रकाश आज से तुम रुपए पैसे का हिसाब किताब संभालो। मैं तुम्हें कंपनी के अकाउंट्स का इंचार्ज मुकर करता हूँ, समझे? और आज से तुम्हारी मर्जी के बगैर इसे एक पैसा नहीं मिलेगा। ये मेरी डायरेक्ट इंसल्ट है जिसे मैं हरगिज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दबाओ। और अगर अब अकाउंट्स में एक पैसे की भी गड़बड़ी हुई इसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे? जी। सॉरी। सॉरी का बच्चा। बस अभी हाजिर हुआ। दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने
सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिक्र हो अब आसमां का या जमीन की बात हो, खत्म होती है तुम्ही पर अब कहीं की बात हो। ओ हसी तुम महजबी तुम, नाजनी तुम नाज हम, नाजनी तुम नाज हम। साज हो तुम, साज की आवाज हम। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। हम सफर मेरे हम सफर। पिटिया रन? हाँ माता जी। नहीं मुझे रहने दो, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तुम्हारे बाप की नौकरानी भी मौजूद है ये सब काम करने के लिए। तो बात समझे उस मरने वाली को, ना वो मरती ना मैं इस घर में आती हूँ, ना ये मुझे सूरत देखनी पड़ती। भगवान, क्यों इस बेचारे के सर पर हर वक्त सवार रहती हो? तुम चुप रहो जी, तुमने ही इसे सर पर चढ़ रखा है। आखिर क्यों इसके पीछे पड़ी हो? लो और सुनो, मैं इसके पीछे पड़ी हूँ? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं पागल हूँ? बेटे के लिए हर वक्त मुझे बात सुनाते हो, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। हे भगवान, मुझे उठा ले, अभी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। गंगा, परमात्मा के लिए चुप रहो, हर वक्त का ये क्लेश अच्छा नहीं। खत्म करो इस झगड़े को। ये झगड़ा उसी दिन खत्म होगा जिस दिन इस घर से इसकी डोली उठेगी या मेरी अर्थी, समझे? तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम्हारी देखरेख करने वाला कोई न था। भगवान गवाह है बेटी, सिर्फ तुम्हारे सुख के लिए मैंने शादी की थी। मुझे मालूम न था कि बाप का घर तुम्हारे लिए मुसीबत का घर बन जाएगा। आप दुखी न हुआ करें पिताजी, मैं तो इन बातों की आदी हो चुकी हूं। उल्ला, अरे तू है? यस डार्लिंग। अच्छा हट, जंगल कहीं के। लेकिन तुझे प्यार करने का अंदाज कहाँ से लाऊं? किसी से रोमांस कर ले वो सिखा देगा, वो भी करके देख लिया। क्या? कौन है वो? है एक नृत्य का माधव, लेकिन उसे काम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। बड़ा सच्चा है, जो तेरे तीरों से घायल होकर भी कुछ करने की हिम्मत रखता है। किसी से मिला तो सही, जिसे मुझसे मिलने की फुर्सत ना हो वो तुझसे क्या मिलेगा? ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए उसे नो लिफ्ट कर दे, फिर देखो कैसे तेरे कदमों में आकर गिरे। अरे तू तो बड़ी तजुर्बेकार हो गई। किसी से आंख लड़ गई है क्या? नहीं तो देख, मुझसे उड़ने की कोशिश मत कर। बता वो है कौन? कोई भी तो नहीं। खा मेरे सर पर हाथ रखकर कसम, मैं तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। हाय रे नखरे, वो मुर्गा है कौन? एक आदमी है। मैं कब कहती हूँ तेरी आँख किसी गधे से लड़ी है? आखिर वो है कौन, करता क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम और ना ही मैं मालूम करना चाहती हूँ। अगर किसी दिन शिकार रास्ता भटक गया तो तू उसे ढूंढने की कहाँ? मुझे अपने आप पर भरोसा है। वैसे इसमें शक तो कोई नहीं, जाल काफी नया मजबूत और फर्स्ट क्लास है। ए, कभी उनसे मिला तो सही? तूने अपने वाले से मिलाया है? वो तो मैं तुझे आज ही मिला दूंगी। आज कहाँ? अपने नए ऑफिस में, महिला समाज के लिए चंदा मांगने चलना है। बेला नीलू वही आ रही है, तू भी आ जा। कल तू मीटिंग में नहीं आई ना,
इसीलिए मैं तुझे खबर करने आई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। सुन क्या देखा? अरे तुम पूनम, तुम यहाँ कैसे? ये मेरा दफ्तर, मैं यहाँ काम करता हूँ। ये सुन रही, मेरी सहेली भी यही काम करती है। तुम्हारी सहेली कौन? वंदना मेहरा। वंदना तुम्हारी सहेली है वो? तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? कुछ नहीं, तुमने कभी बताया ही नहीं। बताने का मौका ही कब मिला? कहाँ है वो? आओ यहाँ बैठो, ये है उसकी सीट, वो आती होगी। अरे पूनम तुम कब आए? बस अभी। संभालिए अपनी सहेली को पूनम, मैं अभी आता। तुम इन्हें कैसे जानती हो? जैसे तू अपने वाले को जानती है। क्या मतलब? जिनका मैंने तुझसे जिक्र किया था ना, यही है वो। कैसी है मेरी पसंद? बोल। अच्छी है, बहुत अच्छी, लाजवाब। और तेरा वो भी मिसाल कहाँ है? जरा उसे बुला तो सही। कोई हो तो बुलाओ, मैंने तो मजाक किया था। मजाक? हाँ, इतना संजीदा मजाक इससे पहले तो तूने कभी नहीं किया। इससे पहले ऐसा मौका भी तो कभी नहीं आया। किस बात का मौका? इस वंदना की बच्ची ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं ऑफिस आऊंगी तो ये मुझे... आगे कुछ न कहना, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा अच्छा नहीं कहूंगी। ये बेला नेरू नहीं आई अब तक। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये महिलाओं की फौज यहाँ क्यों इकट्ठी हो रही है? आप लोग उनकी जेबों पर छापा मारने के लिए, महिला समाज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तो एक ही मोटी आसामी है, बसंत बाबू। चलो उनके पास ले चलता हूँ। चलो नहीं तुम जाओ, मैं बेला नेरू की राह देखती हूँ। अच्छा। चलो पूर्णिमा देवी, शायद इससे पहले भी मैं आपके दर्शन कर चुका हूँ। जी नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। चलिए पहली ही सही, आखिरी तो नहीं। बाय द वे आप किस मोहल्ले में रहती हैं? बड़ी तंग गलियां हैं, आपकी गाड़ी वहां नहीं पहुंच सकेगी। जी मैं पैदल आ जाऊंगा। बहुत गड्ढे हैं, आपको ठोकर लग जाएगी। आप फिक्र ना कीजिए, गिरता पड़ता पहुंच ही जाऊंगा। बसंत बाबू हम काम की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये रहा पर्स, जितना चाहिए ले लीजिए। जी नहीं, जितना आपको देना हो दे दीजिए। नहीं, जो आप कहें बोलिए ना, प्लीज। 100 रुपए काफी होंगे। बस ये लीजिए, 200 रुपए पकड़िए पकड़िए ना, लीजिए। थैंक यू। चलो पूनम, एंड नो लेटर। लेटर का बच्चा, आज नहीं तो कल बसंत पूर्णिमा को ढूंढ निकालेगा। जिंदगी का गीत हो तुम। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसे भी क्या बेरुखी, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया था। मेरा आपका क्या वास्ता? ये तो आप मेरे दिल से पूछ के देखिए, जो कमबख्त हर वक्त आपके नाम की माला जपा करता है। मिस्टर बसंत, बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में अपना दिल पेश करना चाहता हूँ। उसे आप अपने पास ही रखिए। देखिए इनकार ना कीजिए, आप घाटे में नहीं रहेंगी। आखिर आपको प्रकाश से क्या मिलेगा? मैं तो सारे जहां की खुशी आपके कदमों पर निछावर कर सकता हूँ। मैं ठोकर मारती ऐसी खुशियों पर, चले जाओ यहाँ से। अगर जाना होता तो आता ही क्यों? तो फिर मरो यहीं। उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। पूनम, ये आंधी तूफान बनी कहां जा रही हो? क्या बात है? पूछ जाकर अपने मालिक के लड़के से, मुझसे बेटू की बातें कर रहा था। वो लफंगा यहां तक भी आ पहुंचा? बाप जितना शरीफ है उतना ही लोफर। अब कभी तुमसे कुछ कहे तो मुझसे कहना, होश ठिकाने लगा दूंगा उसके। लेकिन प्रकाश, हम कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? अब तो मामी मुझे जल्द से जल्द घर से निकालना चाहती हैं। वो घर से निकालना चाहती हैं और मैं भुलाना चाहता हूँ। बस कल ही अपने जीजाजी को तुम्हारे बाबूजी के पास भेजता हूँ कि बारात लेकर कब आऊं। सुनो, बड़ा मजा आएगा। मैं दुल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनोगी, फिर हमारी शादी होगी
और फिर मैं तुम्हें विदा करा के अपने घर ले आऊंगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा सर। इतनी देर हो गई, जीजा जी अभी तक पूर्णिमा के घर से नहीं आए। भैया तुमने भेजी हुई थी खोपड़ी के आदमी को, मुझे तो डर है कि सगाई पक्की करने के बजाय कुछ उल्टा सीधा करके ना आ जाए। अरे आ गए मेरे अच्छे जीजा जी, जल्दी से खुशखबरी सुनाइए। और मैम क्या बात है जीजा जी? छतरी पकड़ो बेटा जी। जीजा जी तुम पूर्णिमा के घर से आए हो ना? एक कोट भी पकड़ना। मगर हुआ क्या? देखो भाई, मैं इधर से सीधा उधर गया उनके घर पे, फिर जाके दरवाजा खटखटाया, उसके बाद में मोतीलाल जी ने अंदर से बाहर झांका और दरवाजा खोला। अच्छा फिर क्या हुआ जीजा जी? फिर क्या, मैं सीधा अंदर घुस गया और मैं उनको देख के मुस्कुराया, वो भी मुझे देख के मुस्कुराए, ऐसे 32 में से 4 दांत दिखाई दे रहे थे। मगर उसके बाद क्या हुआ जीजा जी? फिर क्या, मैंने वो बुड्ढे को बोला कि मेरे को तुम्हारी बेटी पसंद है। फिर वो बुड्ढे ने मेरे से बोला कि भाई साहब तुम्हारा नाम और क्या करते हो काम? मैं भी फटाक से बोला कि नाम मेरा चिमन भाई सूरत वाला और काम घर भेनोई। ये सुनते ही वो बुड्ढा एकदम गरम हुआ और गरम होते बोला, निकल जा मेरे घर से चिमन भाई सूरत वाला, नहीं तो मैं तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा। बस अपने तो हाथ से गरम गरम पसीने की धार छूटने लगी। देखिए भैया, तुम भैया की शादी पक्की करने गए थे क्या? अपनी अपने बाप की, तू क्यों बीच में बोलती? हाँ तो फिर साले भाई मैंने जल्दी से बोल दिया कि भाई मैं मेरे रिश्ते के लिए नहीं अपने साले भाई के रिश्ते के लिए आया हूँ। फिर क्या, बुड्ढा एकदम खुश हो गया और बोला कि तुम्हारा साला तो लाजवाब साला है, मैं उस साले के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीजा जी, अरे क्या करते हो यार, अपनी बहन के सामने ऐसा करते शर्म नहीं आती? जीजा जी देखो भाई, अब तुम फटाफट शादी का इंतजाम करो। ठीक है, मैं रुपए का इंतजाम करता हूँ और तुम मेरी शादी का इंतजाम करो फटाफट। हाँ कर दूंगा। पीरो पतंग मारो पीरो। भैया तो पे देंगे ही, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अरे तुम जो बोलो वो कर दो, 1,000 2,000 2,500 2,500। बस, जेब में कुछ कौड़ी नहीं है और हजारों की बात कर रहे हो। बात करती है घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे तू इस इंडियन हिंदी फोर्ट को नहीं जानती, चुटकी में 1 to 10 कर दूं। 1 to 10 ये तो कम है। अगर आज तू मेरे को 500 रुपए देगी तो मैं वो 500 के 25,000 नहीं कर दूं 5 दिन में, तो मैं खानदानी पति नहीं, मेरे को तू खानदानी हज्जाम बोला। सच? एकदम तेरी कसम। निकाल 500 या नहीं? फिर किधर चले? तुम महाराज जरा गौर से देख के बताइए कि मेरे को कौन से धंधे में फायदा होगा। मर गया मैं। अरे राम 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 राम, भयंकर रेखा, कोई भी ग्रह सीधा नहीं है, सोम और मंगल में दंगल हो रही है और बुध पर बृहस्पति सवार है और शुक्र पर शनि की तलवार है और इतवार का तो कहीं भी पता ही नहीं है। अरे क्या फेंकते हो किंग कॉन्ग महाराज, अरे अपने लिए तो सोमवार मंगलवार बुधवार जितने वार है ना सब इतवार है, और अपन जब से घर बहनों ही बने हैं तब से तो आराम ही आराम है। लेकिन अब आराम हराम होगा। क्या? किसी पंडित को फौरन दक्षिणा न दी तो काम तमाम होगा। मर गए चिमन भाई मर गए, अब इतनी जल्दी पंडित को कहां से ढूंढ के लाऊंगा मैं? मूर्ख गधे, ये तेरे सामने कौन बैठा है? माफ करना बड़े भाई, मैं पहचाना नहीं, मेरे को माफ कर दो। अब अगर तुम मेरे को हुक्म करो तो मैं 5.25 आने हाजिर कर दूं। 5.25 में कुछ नहीं होगा। तो फिर 7.25 कर दूं? 7.25 नहीं, पूरा 1 रुपया लगेगा ग्रह बदली करने के लिए। एम के हाँ। आलो। सारे संकट दूर हो गए, अब तुम्हारे पाव 12 है। बस किंग कॉन्ग महाराज, अब जल्दी से बता दो कि मैं हिंदुस्तान का हेनरी फोर्ट कब बनूंगा। हेनरी फोर्ट? ये किस बना का नाम है? अरे सोचते क्या हूं महाराज। इस पदवी पर पहुंचने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता, आज तक सिर्फ 2-4 ऋषि मुनि ही इस पदवी पर पहुंचे हैं। ऋषि मुनि? अरे क्या खेल के माफक बात करते हो महाराज, हेनरी फोर्ट तो अमेरिका का था, जिसने के फोर्ट गाड़ी बनाई थी, ट्रक बनाया था, लोरी बनाई थी। तो क्या हुआ, अमेरिका हो या अफ्रीका, हेनरी फोर्ट तो कहीं भी पैदा हो जाता है, कोई गाड़ी बनाता है और कोई दाढ़ी बनाता है। तुझे मालूम है भारत के हेनरी फोर्ट ने क्या किया था? नहीं तो? महाभारत के युद्ध में रावण को रथ बना के दिया था। ऐसा? धन्य है किंग कॉन्ग महाराज, धन्य है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा ज्ञानी ध्यानी कभी नहीं देखा। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि मुझे किस धंधे में लाभ होगा। निकाल 1 रुपया। निकालता हूं, इधर है महाराज। देश में शनि का कोप होगा,
भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, लोग धड़ाधड़ मरेंगे। तुम दवा का कारोबार कर लो। ना ना महाराज, दवा के धंधे में तो माल ज्यादा खर्चा होगा। अपने को तो कोई ऐसा धंधा बताओ कि एक रुपया लगावे तो हजार रुपया आवे। तो जाओ, लकड़ा के साथ कपड़ा के कारोबार में तुम्हारे वारे ना रहे। लकड़ा के साथ कपड़ा ने कपड़ा, महाराज ये बात अपने मगज में बैठ नहीं रही है। इधर बैठोगे तो कुछ मगज में नहीं बैठेगा, अकलमंद गधे को। समझी क्यों, समझी क्यों, इशारा काफी है। लकड़ा ने कपड़ा, कपड़ा ने लकड़ा। मोटा भाई, मैं तो आपके सारे के सारे कफन लाख के लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तो क्या सारा खानदान मर गया? नहीं, सारा खानदान तो नहीं मरा। तो फिर किस लिए? आप जैसे मेहरबान के लिए। क्या कहा? मोटे भाई, आबादी बढ़ाना तो इंसान के हाथ में है, लेकिन उसको घटाना तो भगवान के हाथ में है, और वो मुझ पे मेहरबान है। अब सारा कफन बांधो, जल्दी करो। बन गए, बन गए, बांधो, बन गए। मार दिया मैदान, आज से मैं चिमन भाई कफन वाला, रेडीमेड कफन, उधर दम भार, इधर कफन तैयार, होम डिलीवरी, फटाफट 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 फटाफट। ये सब क्या है? ये मौत का तराजू है, कफन। किसके लिए? घबराओ नहीं, तो मेरे लिए नहीं है, धंधे के लिए। चलो भाई लोग, सब सामान मेरे बेडरूम में रख दो। खबरदार जिसे अंदर लाए, निकालो बाहर। 500 रुपए पानी में मिला दिए। अरे पानी में नहीं, ये तो चोखा सोना है, सोना। बको मत, भैया की शादी हो रही है और तुम्हें मंगल अमंगल का भी ख्याल नहीं है। बुध के दिन मंगल की बात कर रही है। अरे किंग कॉन्ग महाराज ने बोला है कि शुक्र में शनि का कोप होने वाला है, लोग धड़ाधड़ मरेंगे और फटाफट मेरे कफन बिकेंगे। तुम्हारे मुंह में खा, ले गई सुनी तो आग लगा दूंगी। हाय 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 हाय, अरे तुम तकलीफ क्यों करती हो, ये बेचारे कफन तो खुद ब खुद जलने के लिए बने। जाते हो कि नहीं? जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान ले, तू भी अपने साइज का एक ले ले, तेरे को भी वक्त में काम आएगा। क्या मुझे कफन पिलाओगे? नहीं नहीं, वो तो ऊपर वाला पिलाएगा। निकल यहाँ से। निकलता हूँ, अंदर नहीं जाने देती। नहीं, मैं भी एक झटके में कफन बेच के आता हूँ। चलो भाई, झटके खातिर फूट गई मेरी किस्मत। आगे इतनी जल्दी भी क्या थी, ऑर्डर दे देते हैं कि ठीक इतने बजे पहुंच जाना, और जनाब का पता ही नहीं। मुंह पर ताला क्यों लगा है? छोड़ो मेरी आंखें, छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ोगे? तुम जीभ के नाखून इतने क्यों भरा रखे? तुम्हारे जैसे लोगों का मुंह नोचने के लिए। कहाँ चली? मिस्टर बसंत, ऐसा ना हो कि शराफत का पैमाना भर जाए और छलक के आपके गालों को रंगीन बना दे। जी गालों की किसको परवाह, आपने तो मेरी जिंदगी रंगीन बना दी। एक बार ना हो तो दिल की धड़कनों की पुकार सुन लीजिए, जो हर वक्त आप ही को आवाज दिया करती है। आइए ना। बदतमीज, ये नाजुक हाथ मारने के लिए नहीं, प्यार से गले में डालने के। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, कभी नहीं, कभी नहीं, छोड़ दे, छोड़, छोड़ मुझे, बदमाश। अब तो अपना बना कर ही छोड़ूंगा। दिल कुत्ते कमीने, तेरी तेरी ये हिम्मत, नौकर होकर मालिक पे हाथ उठाता है। मालिक का बच्चा, मैं तुझ पर और तेरी नौकरी दोनों पर थूकता हूँ। अगर तेरे बाप का ख्याल ना होता तो आज तुझे जिंदा दफन कर देता मैं। अगर जान करे तो यहाँ से चला। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। दोनों को खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी बसंत नहीं। सच? मुझे खुशी तो इस बात की है बेटा कि तू शादी के लिए माना। तो कौन है वो लड़की? मोतीलाल जी की बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा? ओ, गंगा की सौतेली बेटी, मैं उसे जानती हूँ। लड़की देखने भालने में अच्छी है, मुझे पसंद है। बस माँ, फिर बात जल्दी से पक्की कर ले। हाँ बेटा। मेरी अच्छी माँ। लेकिन माँ, पिताजी तो मान जाएंगे ना? अरे तू उनकी फिक्र ना कर, बस ये शादी हुई समझ। शादी? किसकी शादी करा रही हो? अपने बसंतों की। शादी इंसानों की होती है, जानवरों की नहीं। देखा माँ? देखो जी, तुम किसी गरीब लड़की की जिंदगी तबाह करने के ख्वाब मत देखो। ये नालायक इस काबिल नहीं कि किसी शरीफ लड़की का हाथ इसके हाथ में दिया जा सके। जो मुँह में आया बोल देते हो, आखिर क्या बुराई है मेरे लाल में? तुम्हारी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें इसके कारण में नजर नहीं आते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि यह हमारी दौलत, इज्जत, वकार सब कुछ मिट्टी में मिला रहा है। ये सच नहीं है माँ। बकवास बंद करो। पिछले महीने 50,000 रुपए कहाँ खर्च किए, पूछे से? 50,000? वो तो माँ मैंने अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम
और गौशाला के लिए चंदा दिया था। सुन लिया, अब बोलो क्या बुरा किया इसने? तुम्हें तो भरा बुरा कहने की आदत ही पड़ गई है। जब तक इसके करतूत तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आओ मेरे साथ। ये शराब की बोतलें मेरी नहीं है। तुम्हारी नहीं तो मेरी है। जी नहीं, उन शराबियों की हैं जिनसे हम लोगों ने समझा बुझा के शराब छुड़वाई है। ये अव्वल नंबर का लुच्चा, लफंगा और झूठा है। इसकी शादी हल्की फल्की नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? जी आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। क्या? नहीं तो मैं दीवारों को खून से रंग। खबरदार, जो बात हाथ उठा। माँ मैं पिताजी को नहीं खुद को मानना चाहता हूँ। नहीं, जब बाप की नजरों में ही बेटे की इज्जत ना हो तो ऐसी जिंदगी से क्या होगा? छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो। भगवान के लिए हाथ जोड़ो। माँ पिताजी को मजबूर मत करो, मुझे मर जाने दो। जो जी चाहे करो, मेरी तरफ से जान न बचा। माँ तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। बस मेरी शादी पूर्णिमा के साथ होनी चाहिए। हाँ बेटा। लेकिन सुना है कि उसकी सगाई हो चुकी है। सगाई हो चुकी है? वैसे तो आपका कहना सब ठीक है बहन जी, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। उसके पिता ने कुछ ही दिन पहले उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, उन्होंने पक्का कर दिया है तो उसे कच्चा कर डालो। ये तो बहुत मुश्किल है बहन जी। मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं। मैंने तो सुना है कि लाला जी तुम्हारे इशारों पे नाचते हैं। वो तो आपने ठीक ही सुना है, लेकिन क्या बताऊं बहन जी, कभी कभी अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाते हैं तो आगे बढ़ाना जरा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तो इस रिश्ते को अब जाने ही दीजिए। खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो लड़के की जिद तुम्हारे पास खींच लाई थी। सोचा था उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और लगे हाँ तो तुम्हारा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन शायद इनकी किस्मत में ये बटवा ही लिखा है। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठ जाइए ना बहन जी, बैठ जाइए। अब क्या फायदा बैठने से? बात दरअसल ये है कि मुझे इस तरह आपको लौटाते अच्छा नहीं लगता। तो फिर देरी किस बात की? कह दो। हाँ मैं तो तुम्हें लक्ष्मी देने आई हूँ। एक देकर दूसरी लक्ष्मी लेने भी तो आई है आप। सच कहती हूँ बहन जी, अपनी पूर्णिमा को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। भगवान झूठ ना बुलाए, अजी दर्जन दो दर्जन शादी के पैगाम तो मैं लौटा चुकी हूँ। जब लड़के वालों ने 12,000 रुपया देने को कहा तब मानी हूँ मैं, तो मुझसे 13 ले लो। 13? लेकिन दोनों में सिर्फ एक का फर्क है। इतनी छोटी रकम के लिए इतना बड़ा जंजाल सर पर लेना और फिर सामने वालों की बुराई अलग मोल लेना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो 14,000 पर फैसला करो। 14? नहीं नहीं बहन जी, 14 नहीं बल्कि 15 पर। 15 पर सौदा पक्का कीजिए आप। तो चलो तुम्हारी बात ही सही, लेकिन लाला जी तो मान जाएंगे ना? उनकी बात छोड़िए, उनकी नकेल मेरे पास है, जिधर चाहूं उधर घुमा दूं। मेरा नाम गंगा है बहन जी, जो साथ ना बहे उसे जड़ से उखा देती हूँ। ये हुई ना बात। ये लो 13,000 और 2,000 शादी के बाद। लेकिन समधन फेरे से पहले मिल जाने चाहिए, इसकी तुम फिक्र न करो। बस काम हो जाना चाहिए, उसकी आप फिक्र न कीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। देखता हूँ कैसे नहीं लौटा क्यों। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ चलो मेरे बाबूजी।
डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, ना खून बंद हो रहा है ना होश आ रहा है। इसीलिए मैं भी परेशान, मेरा ख्याल है कोई अंदरूनी नस फट गई। इन्हें फौरन नर्सिंग होम ले चलना पड़ेगा, देरी इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं स्पेशलिस्ट को फोन करता हूँ, फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन? मेजर ऑपरेशन है, कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। 10,000? मैं फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी। घर में कितने रुपए हैं? ये कुछ 70-80 होंगे। सिर्फ 70-80? हाँ। मेरी बेटी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। लौटा दो रुपया, वापस लौटा दो, लौटा दो रुपया, ये रुपया वापस लौटा देती हूँ। देखो ये देखो, मैं भी वापस करके आती हूँ, मैं भी वापस करके आती हूँ। माता जी, ये रुपए वापस नहीं होंगे, लगी मुझे दीजिए। लेकिन पूर्णिमा, मुझे दीजिए ना। क्या कह रही हो, ये तो सोचो। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। नमस्ते जी। शादी का हंगामा काफी जोरदार था, बस कसर थी तो सिर्फ एक, प्रकाश की। बेचारा शादी की मुबारकबाद देने तक नहीं आया। उसके ना आने पे तुम्हें सदमा तो जरूर हुआ होगा, और उसकी बेवफाई पे रोना भी आया होगा। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जरा उन बीते हुए लम्हों को याद करो, जब तुम थी वो था। वो पूर्णिमा मर चुकी है, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा आपके सिवा। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, प्रकाश ये सुनेगा तो उसे बहुत दुख होगा। यकीन कीजिए, मैं हवन कुंड की आग में पुराने सारे रिश्ते नाते जला कर आ गई हूँ। अब आप ही मेरे भगवान हैं। आप तो खामोखा तकल्लुफ से काम ले रही हैं। वैसे अगर आपको इस नाम से तकलीफ होती है तो मैं दोबारा नहीं लूंगा। अब तो खुश होना, तो इसी बात पे मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ ना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना हसीन तोहफा लाया हूं। देखो पसंद है। खूब, बहुत खूब। किस सफाई से धड़कन को दिल से जुदा किया है। लेकिन इतना याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मैंने तुम दोनों को आमने सामने देखा तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं आपके पाँव पर मेरी पिछली जिंदगी भूल जाइए। अब तो आप ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ। चलो हम एक बार कर लेते हैं। खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक,
अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। शिकायत नहीं है निभाना तो कोई रवायत नहीं है। जहाँ तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। चमन से चले हैं ये इल्जाम लेकर, बहुत जी लिए हम तेरा नाम लेकर। चमन से चले हैं ये इल्जाम लेकर, बहुत जी लिए हम तेरा नाम लेकर। मुरादों की मंजिल से दूर आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर अपने पास आ गए हैं। तो तुमने अपने बाबूजी के लिए कुर्बानी देकर गंगा नहा ली, लेकिन याद रखो पूर्णिमा, तुमने जितना बड़ा पुण्य किया है उतना ही बड़ा पाप ही किया है। वंदना, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मेरी बेबसी का मजाक ना उड़ाओ। अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती, कुछ नहीं सुन सकती। तुम सुन नहीं सकती और मैं उनके गम देख नहीं सकती, इससे तो अच्छा भगवान मुझे मौत दे दे। न मैं रहूंगी, न उन्हें इस तरह तड़पते देखूंगी। वंदना, अब बातें करने के लिए रह ही क्या गया? प्रकाश बाबू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। फुर्सत मुझे भी नहीं। मैंने आपसे दिल के फफोले धोने की दरख्वास्त नहीं की थी, और ना ही अपनी सुलगती हुई आरज़ुओं का तमाशा दिखाने के लिए आपको बुलाया। मैं यहाँ रात को रही थी। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? गम के कौन से ऐसे पहाड़ बाकी हैं जो अब भी मुझ पर तोड़ना चाहती? मैं उस खाब को तोड़ने आई हूँ जिसमें आप खोए हुए हैं, उन यादों को दफनाने आई हूँ जिन्हें आप सीने से लगाए बैठे हैं। उन यादों के सिवा मेरे पास रह ही क्या गया है, वो भी आप मुझसे छीन लेना चाहती हैं। प्रकाश बाबू, अब ऐसी बात कहने का आपको कोई हक नहीं, ये पाप है। पाप? किसी की पत्नी के बारे में सोचना पाप नहीं तो और क्या है? मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के सिवा किसी और की जबान पर मेरा नाम भी आए। ठीक है, अब इस जबान पर आपका नाम कभी नहीं आएगा, और अगर मैं उन यादों को ना भुला सका तो मैं खुद को मिटा लूंगा। आप मरकर मेरे मुंह पर कलंक लगाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर सोचती रहूं कि एक गैर आदमी ने मेरे लिए जान दी? नहीं नहीं, भगवान गवाह है, मैं आपकी रुसवाई नहीं चाहता, मैं आपकी बदनामी नहीं चाहता। अगर आप मेरी बदनामी नहीं चाहते तो मेरी बात मानिए,
वंदना से शादी कर लीजिए। शादी? और वो भी मेरी? अर्थी पर फूलों की चादर डाली जाती है, सेहरा नहीं पहनाया जाता। प्रकाश बाबू, वक्त हर गम को मिटा देता है और जिंदगी का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी पलट कर आवाज देना नहीं, आगे बढ़ना सिखाती है। मैं जो कुछ कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मेरी भलाई का इतना ही ख्याल है तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा क्या कसूर था जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। ये सजा हमारे नसीब ने हमें दी है। वो रुपए जो मेरी सास ने मेरी माँ को दिए, मेरी मोहब्बत और बाबूजी की जिंदगी के दरमियान पड़े थे, और बाबूजी की जिंदगी से बढ़कर मेरी खुशियां नहीं थी। प्रकाश बाबू, मैं हजार बार जन्म लेकर उन पर से मुरमान हो सकती। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर आप शादी के लिए हाँ कह दीजिए। मगर मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। वो आपके साथ दुखी नहीं रह सकती। नहीं नहीं, मैं किसी गरीब को जीवन भर खून के आंसू लाना नहीं चाहता। आप उसके साथ रहें, यही उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। हाँ कह दीजिए प्रकाश बाबू, हाँ कह दीजिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? कहिए ना प्रकाश बाबू। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरी पिछली जिंदगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। पुजारण को सिर्फ पूजा से मतलब, भगवान के दिल में क्या है ये उसे जानने की जरूरत नहीं। आप मेरे हैं, मेरे पास है, यही मेरे लिए बहुत है। वंदना, छोड़ो ना, छोड़ो ना। मैंने कह दिया मैं अपने भाई का घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। निकालो मेरे का प्रेम। अरे मेरी बात तो सुन, फिर मेरे को शादी क्यों की थी? देख मैंना, अपने साले भाई का घर तो बस गया, अब तू अपना घर बसाने की चिंता कर। मैंने तेरे लिए फर्स्ट क्लास 3 खिड़की वाला मकान ढूंढ के रखा। मैं कफन फरोश हो रह के कफन की कमाई कभी नहीं खाऊंगी। अरे ईमान फरोश बनने से तो अच्छा आदमी कफन फरोश बने। तो जाओ बनो। देख पति परमेश्वर होता है और तू पति का साया छोड़ने के लिए कह रही है। जा फटाफट तैयार हो जा। मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे तेरे को साथ नहीं चलने का है तो थोड़ा सा आगे चलना, का तो थोड़ा सा पीछे चलना। मैं बीच में चलूंगा। नहीं तो फिर मैं अकेला चला जाऊंगा। जाओ। मैं सचमुच चला जाता हूँ। ये रही तुम्हारी साड़ी, ये तुम्हारा दुपट्टा, ये तुम्हारा घगरा, बिस्तर की जरूरत तो नहीं। जा रही हो? हाँ जी। जरूर जाओ, बस खत लिखती रहना। जी मैं खत नहीं लिखूंगा। तो तार भेज देना। मेरे पास इतने देरी ही नहीं। लेकिन कमा के मनी ऑर्डर जरूर भेजना, कथा करवाऊंगी। कथा नहीं, मेरे बात की तेर भी करा देना। अरे ऐसी औरत से तो अपन रनवे चले जाते हैं। खुदा हाफिज, बस इतनी गुजारिश है जब भाई के घर से जी भर जाए तो पति को याद कर लेना। साहब जी, साहब जी, बेशरम रोकती भी नहीं। भाभी को बनाए रखना, अच्छी खबर सुनाना। नर्स, कहो नर्स। मुबारक हो बेटा तुम्हारा। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें भी भतीजा मुबारक हो, मगर जीजा जी से बगैर ये खुशी अधूरी है। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं भैया, वो तुमसे ठीक नहीं होगी, उसका इलाज मेरे पास है। मैं जाती हूँ, देख लेना, आज मेरे आगे आगे भागते आएंगे। ठीक है फिर, जल्दी जाओ। मतलब ये
कि जो जमीन पे उसे आसमान पे पहुंचा देगा। हाँ, इसके चक्कर में मत आइए। कल इसने कलवा धोबी के गधे को यही इंजेक्शन मारा था। सुबह में कलवे ने देखा तो वो बेचारा गधा मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहा था? मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अरे तू विधवा हो जाएगी। घबराओ नहीं, मैं इतनी जल्दी विधवा होने वाली नहीं हूँ। देखिए, आप लोग कुछ ऐसा इलाज कीजिए कि इनकी बीमारी जड़ से उखड़ जाए। आइडिया, मेरे ख्याल में ऑपरेशन करके इनके पेट की सफाई कर देनी चाहिए। ऑपरेशन? यस माई डियर। ठीक है, पहले ऑपरेशन, फिर आंखों में बंबू शाखा सुरमा। नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैं आंखों में बंबू शाखा सुरमा नहीं लगाऊंगा। घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। इनके लिए ऑपरेशन करना तो चुटकियों का काम है। चुटकी बजाते ही पेट कर देंगे, चुटकी बजाते ही पेट की सफाई करके उसे वापस दे देंगे। रहने दे, रहने दे। और चुटकी बजाते ही मेरा दम ऊपर चले जाएगा। मैं पेट नहीं कटूंगा। डरपोक। हाँ। अरे पेट की बीमारी सब बीमारियों की जड़ होती है। चलिए डॉक्टर जल्दी आइए। अरे पनीर डरेगी क्या? काका छोड़। डॉक्टर जल्दी कीजिए। अरे पापी कठोर कसाई, मीना मैं टेढ़ी कसम खा के बोलता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। बहाना कर रहा था। बहाना? बहाना? बहाना करने की बीमारी भी पेट की खराबी से पैदा होती है। ऑपरेशन तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। मीना, मीना मैं तुम्हारे पाँव पटू, मेरे को बचाओ। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे। हाँ मैं चलूंगा। घर पर नहीं बनोगे? बनूंगा। और इसी सीधे व्यापार करोगे? करूंगा। क्या? नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर मेरे हाथ पैरों में दर्द था तो दबाओगे? दबा दूंगा। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया। क्या? हम लोग असली नहीं, नकली हैं। तुम मेरे को धोखा दिया। लेकिन असली आते हुए भी देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं नहीं, इन्हें फौरन 20 रुपए दे दो। पर 20 रुपए मैं कैसे दूंगा? अपनी जेब में से। जेब में तो एक कौड़ी नहीं है, दो कफन के टुकड़े पड़े हैं। आप दोनों ले लो, मरने के बाद दोनों को काम आएगा। माँ? माँ? नहीं माँ। माँ यानी मीना। हाँ मीना। मुबारक हो, पोता हुआ है। सच? बहुत ठीक है ना? जी हाँ। भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई, लेकिन वो नालायक ना जाने कहां भटक रहा होगा। नमस्ते। ओ वंदना, आओ बैठो बैठो। कैसी हो? अच्छी हूँ सेठ जी। प्रकाश कैसा है? अच्छे। कामकाज कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा है। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। वंदना, अरे तू कैसे घर रास्ता भूल पड़ी? जीजाजी को बुलाओ, फिर बताती हूँ। वो तो नैनीताल गए हैं। नैनीताल? अकेले ही? उस नाला की बात मत करो बेटी, दुनिया बदल गई लेकिन वो नहीं बदला। खैर थोड़ा इन बातों को, ये बताओ कैसे आना हुआ? हम लोग हर साल की तरह इस साल भी महिला समाज के लिए चैरिटी शो कर रहे हैं। चंदा चाहिए? चंदा भी चाहिए और पूनम के लिए इजाजत थी। नहीं वंदना, मैं हिस्सा नहीं ले सकूंगी। क्यों नहीं? तुम्हारी बिना शो की कामयाबी नामुमकिन है। लेकिन वंदना मुझे फुर्सत नहीं है। तुझे कौन सा कूलर चलाना है जो फुर्सत नहीं है? प्रकाश जी को देखो, वो कितने बिजी है, फिर भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। मेरे शरीक में होने से कोई शो रुक तो नहीं जाएगा। तुम तो यही जिद कर रही हो। जिद तो तुम कर रही हो बहू। प्रकाश वंदना शो कर रहे हैं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन पिताजी मैं कैसे? मैं सब समझता हूँ बेटी, बसंत का ख्याल है, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं जो इजाजत दे रहा हूँ। वंदना तुम बेफिक्र रहो, बहू शो में जरूर हिस्सा लेगी।
और मालकिन किसी के शादी में गए हैं और बहुरानी महिला समाज के जलसे में। महिला समाज के जलसे में किसके साथ? वंदना दीदी और प्रकाश बाबू के साथ। प्रकाश के साथ? कमें। सॉरी, वंदना नहीं है क्या? जी नहीं, वो महिला समाज की सेक्रेटरी से मिलने गई है, बस आती ही होगी। आप बैठिए ना। समझ में नहीं आता आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। सचमुच आपकी वजह से तो प्रोग्राम में चार चांद लग गए। मैं बहुत परेशान हो गया था, अगर आप नहीं आती तो क्या होता? बहुत बुरा होता। आप लोगों को मिलने का मौका कैसे मिलता? मैं समझा। चलो मेरे पास, चलो। आप मेरे हाथ की छोड़ी मैं चलते नहीं। खामोश। तुमने क्या सोचा था मैं वापस नहीं आऊंगा? आज तुम नहीं जब मैं। क्या हुआ? बसंत बाबू बहुत गुस्से में थे, पूर्णिमा को जबरदस्ती घसीटते में ले गए हैं। बसंत बाबू, मेरे जाते ही उत्तर मिलने का बहाना ढूंढ लिया। बिल्कुल झूठ है, पिताजी ने मुझे भेजा। बकवास बंद कर, हमारा प्रचलन बहादुर। वाह, मत हो तो तुम जैसा हो। अरे ताकत आजमानी है तो किसी मर्द से जाकर उलझो जो तुम्हें इस छड़ी का जवाब दंड से दे सके। जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लोगे? वंदना, क्यों बुरी बनती हो मेरी? मेरी किस्मत में तरेरों का वरना लिखा है। ये दुनिया शराफत की नहीं है पूनम, जितना दबोगी उतना ही दबाई जाओगी। तुम्हें रीत का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जाती हो या धक्के मार कर पार करो। जरा हाथ लगा कर तो देखो, सूरत बिगाड़ कर ना रख दो तो मेरा नाम वंदना नहीं। सुनिए वंदना, भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, तुम्हें वहां ले जाने की जिम्मेदार मैं हूँ और अब मैं ही तुम्हें इसके जुल्म से छुटकारा दिलाऊंगी। मैं अभी इसी वक्त जाकर पुलिस को लाती हूँ। वंदना, पुलिस तक इसके कलम कभी नहीं पहुंचेंगे। मैं इसे जान से मारता हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वरना तो मुझे मार डाल। चुप रहो, आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा, मेरे रास्ते से
हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। क्या बात है राजेला जी? बसंत बाबू का कुछ कर्ज है। कर्ज? जी, उन्होंने इन लोगों से रुपया ले रखा है। रुपया? कितना रुपया? तकरीबन 15 लाख। 15 लाख? इतने रुपए मेरे पास कहाँ? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं घर से बेघर हो जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं? हम आपको घर से बेघर करने नहीं आए, अपनी दीदी रकम लेने आए हैं। ठीक है सेठ जी, हम चलते हैं। नहीं, नहीं। उसकी आत्मा पर आप लोगों के कर्जे का बोझ नहीं रहेगा। वो मेरा बेटा था, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, मेरा खून था। चाहे मैं लुट जाऊं, भिखारी बन जाऊं, लेकिन मरने के बाद किसी के मुंह से उसके लिए बुराई नहीं सुनूंगा। जाइए, आप लोगों की पाई पाई में जाइए। मालिक, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जो खुद बेसहारा हो वो तुम्हें क्या सहारा देगा मंगल? सब कुछ तो चला गया। मैं भूखा रहकर भी आपके साथ दिन काट लूंगा। नहीं मंगल, मैं तुम्हें अपनी बदनसीबी का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अच्छा, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। खुश रहने की कोशिश करो। खुशी नसीब में होती तो ये मनहूस दुल्हन बनकर हमारे घर क्यों आती? उसमें इस बेचारी का क्या कसूर? तुम समझती क्यों नहीं, सारा कसूर इसी का है। ये मनहूस है, हमारी सारी बर्बादी की जिम्मेदारी यही है। भगवान से डरो शारदा, भगवान से डरो। अगर इल्जाम देने पे आए तो ये बेचारी भी हमें मनहूस कह सकती है। ये कह सकती है कि जिस दिन से ये बेचारी दुल्हन बनकर हमारे घर आई, इसे चैन नहीं मिला। हमने, तुमने इसके पति को हमेशा के लिए छीन लिया, इसका सुहाग लूट लिया। अगर ये ऐसा समझती है तो यहां से मुंह काला क्यों नहीं करती? माँ जी, हाँ, अब तुम्हारा यहां क्या रखा है? बसंत की माँ, फिर कभी ऐसा मत कहना। पहले ये हमारी बहू थी, लेकिन अब हमारी बेटी। जब तक हम जिंदा हैं, अनिल और पूर्णिमा हमारी नजरों से दूर नहीं होंगे। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं, पत्थर। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, याद रखना, पछताओगी। ये एक दिन भीख मंगवा के छोड़ेगी, भीख मंगवा के छोड़ेगी। बेटी, इनकी बातों का बुरा मत मानना। बसंत को बहुत चाहती थी, इकलौता बेटा था ना, रब ने पागलों जैसी हालत कर अच्छे बुरे की तमीज मिट गई। अरे रोना नहीं, रोना नहीं। अरे मेरे राजा, मेरे लाला, ओहो मेरे राणा। वे कितना बड़ा डरा है। मैं बोलता हूँ, ये फैमिली बच्चों को अकेला छोड़ के क्यों जाती है? अरे मैं कि तेरे बाप को नौकर जो गोद में उठा के बैठूं? मैं बोलता चुप हो जा। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे, चुप हो जा अपने लाडले। फूफा के भतीजे, लोरी लोरी लोरी, हे मई लोरी। अरे लोरी
सुलाती है नारियां, ये मर्द भी कर सकते हैं। मर्द जिंदाबाद। अब होगा इम्तिहान, इम्तिहान, इम्तिहान। डेरे तू फिर रो रहा है। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, ओए मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, कोई पनफूल है तू न थी खूबसूरत, ये जितना ये मुखड़ा तेरा, ओए ओए मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, ओए ओए मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। है बुरा राग है ये बेसुरा, काम नारी का रोना, काम प्यारी का रोना, मेरा प्यारा क्यों रोए, नैन तारा क्यों रोए, और भी बच्चे हैं वो कितने अच्छे हैं, जो सदा हंसते रहे, जिनके आंसू ना बहे, उनसे सब प्यार करे है, उनसे सब प्यार करे, उनसे सब प्यार करे है, उनसे सब प्यार करे। मैं हंसाने को तुझे देख क्या क्या बना, हंसुलाने को तुझे देख क्या क्या बना, कभी लटकाऊ कमर कभी मटकाऊ नजर, है मेरी पतली कमर है मेरी तिरछी नजर, हाय हाय मेरी कमर देख ले मेरी कमर, कैसे हिले मेरी कमर, हाय हाय मेरी कमर, देख शर्माना मेरा देख बलखाना मेरा, किसने तेरे सिवा मुझे घर देख लिया, है इसी बात कदर मुझ पे रख लेगा नजर, मुझ पे रख लेगा नजर, मुझ पे रख लेगा नजर, अह मुझ पे रख लेगा नजर, होए मुझ पे रख लेगा नजर। हाँ ए मेरे मुन्ने किसी की खटा की, मुझको ना दे तू सजा, कोई भी फूल एतनू न थी खूबसूरत, ए जितना ये मुखड़ा तेरा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, ओए होए मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा मुस्कुरा। मम्मी की कसम तुझको डैडी की कसम, रोना अब छोड़ दे तू, टांगे तोड़ दे तू, हंस के खाए जो चने उसकी तो सेहत बने, रो के बादाम खाए दुबला होता जाए, आई बुलबुल की सदा रोने वाला है गधा, आई बुलबुल की सदा रोने वाला है गधा, रोने वाला है गधा, रोने वाला है गधा, अह रोने वाला है गधा, ओए रोने वाला है गधा, ओ जा चुपचाप न रो, न रो मेरे बाप न रो, देख अब शोर न कर मुझको तू बोर न कर, तू मेरा दिल ना जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करो ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, था कि गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा ठोबरा तेरा, कोई भी फूल एतनू न थी खूबसूरत, हे जितना ये मुखड़ा तेरा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, ओए होए मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा मुस्कुरा। दूध लाइला
आज से दूध बंद कर दो। काहे? बब्बा दूध न पीने का? नहीं, दूध अब उसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, तुमको दूध अच्छा लगता है? हाँ बेटा। काम की तलाश में। कल तक हाई ब्लड प्रेशर था, डॉक्टर ने आपसे आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर अपना पुराना आदमी है ना, मैं अब भी उसे सेठ रतनलाल ही दिखाई देता हूँ जो उसके कहने से बरसों आराम कर सकता है। आप कुछ भी कहिए, तुझसे पूछे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे पगली, मुझे कुछ नहीं होने वाला, बड़ी लंबी उम्र के पैदा हुआ हूँ, न जाने देखना बापी। देखो ना, कल ये हाथ हजारों के पेट भरता था और आज अपने पोते को एक बूंद दूध नहीं दे सकता। आप सलामत रहेंगे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, आप आराम कीजिए। नहीं बेटी, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूं डॉक्टर क्या भी हुआ आपका। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको आराम की सख्त जरूरत है, कंप्लीट रेस्ट। और तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन क्या करूं, पत्नी विधवा बहू और यतीम पोते को दो वक्त रोटी देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन ये भी कभी सोचा है आपने कि अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा? आप ही उन बेसहारों का सहारा है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आराम कीजिए और वही दवा कंटिन्यू कीजिए। जाना ये मेरी कहानी, ओ इस देश
क्या कह रहे हैं मेरे सामने मत आना। आज करवा चौथ है, सुहागनों का त्योहार है, बोल फिर मेरे सामने क्यों आई? अनिल को पानी पिलाने आई थी। मैं सब कुछ समझती हूँ, तूने जानबूझकर ये सब किया। नहीं नहीं ये सच नहीं। खामोश, तेरी ये हिम्मत के मुझे छूटा बना। अगर तू अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद समझती है तो जा रे अपने बाप के साथ। माँ जी मैं तेरी कोई नहीं लगती, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। माँ जी आप दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुझे एक मिनट इस घर में रहने नहीं दूंगी। निकल निकल यहाँ से। बहू पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारे हाथ टूट क्यों न गए? खबरदार तो मुझे कुछ कहा, जो कहना है इस कुलक्षणी को कहो। अपना सुहाग तो खा चुकी, अब मेरा भी हजम करना चाहती है? नहीं नहीं माँ जी, सब कुछ चला गया था, एक इंसानियत बाकी थी, आज तुमने उसका भी गला खोला। लेकिन मेरे हाथ, जाओ मेरे सामने से। अखंड सौभाग्यवती करो, आज तुम दोनों को इस रूप में देखकर मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान इस सिंदूर की लाली को सदा बनाए रखे। पिताजी मुझसे कभी कोई भूल भी हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, बेटी विदा होकर ससुराल जा रही है और मैं अभागा खाली हाथ उसके सामने खड़ा हूँ। उसे कुछ देने के बजाय उल्टा कुछ मांगना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं बाप के फैले हाथ खाली न लौट आए। ऐसी क्या बात हो सकती है, आप कहिए तो सही। अनिल को हमारे पास रहने दो। पिताजी माँ से बेटे को छुड़ाने का मुझे हक तो नहीं है, लेकिन वो पास रहेगा तो उसकी भोली और मासूम बातों से हमारे ये पहाड़ जैसे दिन कट जाएंगे। हाँ कह दो, चाचा जी से ज्यादा अनिल का कौन ख्याल रखेगा? और फिर हम इसी शहर में तो हैं, जब जी चाहे मिल लिया करेंगे। बहने दो प्रकाश, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहता। नहीं नहीं पिताजी, मेरी खुशी से बढ़कर आपकी खुशी है। आप जब तक चाहेंगे अनिल आप ही के पास रहेगा। जीती रहो बेटी, मैं यही सुनना चाहता था। अच्छा आप चल। स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए आइए। अरे उधर क्या खड़ी, जल्दी से आती उतारना। एक मिनट मैं भी उठा लूंगा। मर गए चिमन भाई, जेब में एक डेढ़िया नहीं है। साले भाई एक रुपया उठा देना, परसों दे दूंगा। अरे भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब पधारो और अपने कमरे की तरफ सिधारो। साले भाई मौसम बहुत धासू है। अरे ये फटे हुए ढोल की तरह तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा तिल चल रहा है। श्री बम्बा बुला दो आग बुझाने को। मजाक मत करो, मैंने कहा ना मेरा तिल चल रहा है। दिल तो मेरा जलना चाहिए कि भगवान ने साले भाई की तरह ये शुभ दिन मुझे नहीं दिखाया। क्या कुछ नहीं, मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजाक क्यों सोचिए? जानती हो सुनील की सतीली माँ आई है, उस बेचारी की जिंदगी हराम कर देगी। अरे क्या बात कर रही हो तुम, ये बिचारी तो बहुत नेक है, देवी है। छोड़ो छोड़ो, मैं इसकी नेकी का नमूना अच्छी तरह देख चुकी हूँ। प्यार भैया से किया और शादी पैसे के लिए किसी और से, मुझे वो सब अच्छी तरह याद है, भूली नहीं हूँ। पूनम याद है एक दिन तुमने कहा था जिंदगी पलट कर आवाज देना नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाती है। लेकिन आज जिंदगी और वक्त दोनों पलट कर वापस लौट आए। लगता है लिखते लिखते कातिबे तकदीर को अपनी गलती का एहसास हो गया और कई बार एक साथ पलट कर उसने जहां से भूल की थी वहीं से फिर लिखना शुरू कर दिया। और ये भी हो सकता है शायद उसे मुझ पर रहम आ गया और उसने मेरी खुशी के लिए मेरी शीतल पूर्णिमा को वापस भेज दिया। कहा
कहाँ जा रहे हो बेटे? बाहर करने। बाहर क्यों? मैंने आंटी ने बोला कि ये सतीली माँ ये मुझे मारेगी। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं करते। मैंने आंटी ने जो कहा है झूठ कहा है। मैं तो तुम्हारी तुम्हारी सगी माँ हूँ। सगी माँ? हाँ आओ अपनी मम्मी के पास आओ 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 बेटे। मम्मी मम्मी अब तो मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे ना? नहीं बेटे कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी तुम मोटर पे नहीं बैठना। क्यों? मोटर में मम्मी बैठती है फिर वापस नहीं आती है। सुनील सुनील मेरे बेटे मुझे देरी हो रही है और मैं टीचर स्टैंड अप ऑन दी बेंच कर रही हूँ। थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ फिर स्कूल जाना। नहीं मैम मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अच्छा टाटा। डैडी टाटा टाटा। अरे खेलो फिर भूल गए क्या? पप्पी चलो लाओ फटाफट। मेरा हिस्सा भी बाकी है पर मुझे देर हो रही है ना। हम कुछ नहीं सुनना मांगता। लाओ गाल। ये मीठा वाला गाल मम्मी का है ये खट्टा वाला गाल आपका है। तो संतरा ना सही लेमू चलेगा। कौन सा खट्टे वाला? पहले मुझे। नहीं पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। पहले मुझे। ऐसा कीजिए दोनों एक साथ ले लीजिए। जब मैं कहूंगा रेडी 1 2 4 तब आप लोग किस कीजिएगा। ओके रेडी 1 2 go मौका अच्छा थोड़ा और बढ़ो। यह शुश क्या है? तुम तो बेवक्त की रात में कराया करती हो। कोई आ गया तो दरवाजा बंद करो। तुम चुप रहो। नहीं मैं चुप नहीं मैं चुप नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा। हेलो जी हाँ क्या कहा? अच्छा मैं अभी आता हूँ। चाची जी की हालत बहुत खराब है। जल्दी चलो। डॉक्टर बसंत की माँ बसंत की माँ। और अगर कोई चिंता है तो सिर्फ एक अनिल की। मासूम बच्चा है खाना पीना लिखाई पढ़ाई सब वक्त पे होना चाहिए। तुम्हारी माँ के बाद अब इस घर में करने वाला कोई नहीं इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। पापा! क्या है बेटा? दादी माँ भगवान के पास गई है ना? हाँ बेटा। कब आएंगी? वो बहुत जल्द आ जाएगी बेटा। बाबा मैं दादी माँ के पास जाऊंगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। देखो बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है तुम उनके साथ जाकर। इसीलिए अनिल को अपने साथ ले आई। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी रोज रोज की परेशानी खत्म हुई। जाओ इसे ले जाकर खाना खिलाओ। कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मम्मी मैं अनिल को आज वापस नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटे अब ये कहीं नहीं जाएगा तुम्हारे पास ही रहेगा। सच? हाँ आज से मेरे दोनों बेटे मेरे पास रहेंगे। अरे वाह फिर तो बड़ा मजा आएगा। आ आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। क्या हुआ? कभी कभी आता था ठीक था लेकिन हमेशा के लिए अनिल का यह रहना मुनासिब नहीं। क्यों? इसलिए कि उसका यह रहना खतरे से खाली नहीं। सुनील उसकी सोबत में रहकर खराब हो जाएगा। कैसी बातें करती हूँ मैं ना? अनिल को चोर और चक्का नहीं जो सुनील को खराब कर दे। आखिर बेटा किसका है? नीम के पेड़ में आम का फल कभी नहीं लग सकता। एक मासूम बच्चे पर कीचड़ उछालते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मासूम बच्चा शराब का कतरा कभी गंगा जल नहीं बन सकता। ये मत भूलो भैया इसका बाप कौन था? एक लुच्चे लफंगी बदमाश चला तभी और इसी बसंत का खून अनिल की रगों में गर्दिश कर रहा है। चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चलिए। ठीक है पर
हीरे को पत्थर पर, बाहर से मासूम कली को गंदी नाली में। मैं इस घर का घर बेनोई हूँ कि बटलर हूँ, कभी बटाना काटता हूँ तो कभी काना काटता हूँ तो कभी कद्दू काटता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में मेरी क्या पोजीशन है। बंगी बना के रख दिया, अभी मेन साहब का पानी गर्म करने का। अरे बाप रे, सारा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। अभी तो स्त्री के कपड़े भी स्त्री करने के। अरे बाप रे, आटली गर्म स्त्री मेरे को तो ठंडा करके रख दिया। ये लो, अभी तो कपड़े भी सुखाना है। एक दिन ये कपड़े मेरे को सुखा के रहेंगे। करम बेटा ताजी, वो मेरे फूटे करम, अपने पैरों पे मारी फुलहारी मैंने, अपनी दुनिया तो खुद ही गुजारी मैंने। वो बेटा जी वो मेरे फूटे करम। मैं समझा था होगी कोई नाजुक सी फुलवारी, हो बेटा जी नाजुक सी फुलवारी, पर जब देखा तो वो निकली कांटों वाली झाड़ी। हो बेटा जी कांटों वाली झाड़ी। हाँ, चिमन लाल सूरत वाले से, चिमन लाल कफन वाले से रूठ गए गिरधारी। अरे धांधल में मारा गया गुलफाम, बादशाह बन गया अब तेरी का गुलाम। है धांधल में मारा गया गुलफाम, बादशाह बन गया अब तेरी का गुलाम। हाय मेरी तो जन्म कुंडली हो गई तिरछी बाकी, हो बेटा जी हो गई तिरछी बाकी। चटमंगनी और पटशादी हो, चटमंगनी और पटशादी हो, मर्जी थी मेरी माँ की, फोटो जा बैठी भगवान के द्वार पर, छोड़ कर मुझको तलवार की धार पर। बस उसी दिन से तकरार ये हमारी, बस बस बस, उसी दिन से तकरार बढ़ने लगी, खूब झूठे चले गाली पड़ने लगी, खूब झूठे चले गाली पड़ने लगी। हो बेटा दादाजी मेरे फूटे करम, हो बेटा दादाजी हो मेरे फूटे करम, अपने पैरों पे मारी गुलारी मैंने, अपनी दुनिया तो खुद ही उजाड़ी मैंने। अरे दिक राजी बोलो बेटा जी, ओले ओले बेटा जी, हाय हाय दिक राजी। क्यों कैसे रही, क्या बात है, असली से भी बढ़कर रख ली है, तो फिर तैयार हो जाओ। मैना आंटी, मैना आंटी, मैना आंटी, क्या है? तुमने कहा था ना अनिल से बात करना छोड़ दो, मैंने उसे कट्टी कर ली, अब कभी बात नहीं करूंगा। शाबाश, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैना आंटी, तुमने कभी ईद का गुलाम देखा है? नहीं तो? लो फिर जी भर के देख लो। हाय राम। अभी तोड़ती तुम दोनों की टांगे। बदमाश, अभी बजाती हूँ।
तो क्या पूजा करूंगी? तुम कौन होती है पूछने वाली? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? फिर कभी बच्चों पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भाई की बेटी को मार रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को नहीं। मैं ना निष्ठा की हद है, बच्चों के सामने जहर उगलते हुए शर्म नहीं आती। फिर कभी ऐसी बात जबान से ना निकालना। एक बार नहीं हजार बार कहूंगी। तुम कौन होती है मेरी जुबान रोकने वाली? तुमसे ज्यादा इस पर मेरा हक है। तुम इसकी लगते क्या हो? सिर्फ सतेली माहिना। बकवास बंद करो वरना जुबान खैर सुनूंगी। पूर्णिमा, इस रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ गया हूं। ये सब क्या हो रहा है? पूछिए अपनी बहन से, इसे क्या हक है सुनील पर हाथ उठाने का? जो एक बहन को भाई के बच्चे पे होता है, चौपट होके रह गया ही। देखो ना भैया, इसने मेरी क्या हालत की। सुनील, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ना आंटी सुनील को मारती थी, इसलिए उसने काटा। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। बोलो, ये बदतमीजी फिर करो। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, मारपीट कर नहीं। ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बड़ों को भी समझा दीजिए कि वो बच्चे ना बना करें। चलो देख लिया किस तरह उसके रंग में रंगने लगा है। इसी दिन से मैं डरती थी, जब से ये मुंह आया है इसके तौर तरीके ही बदल गए हैं। अब भी वक्त से कुछ करो भैया, नहीं तो पछताओगे। इतने दिन हो गए लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं जाने कैसी दवा देता है डॉक्टर। जरूर किसी की नजर लग गई है माँ को। जब तक भैरव के मंदिर में चढ़ाव चढ़ाने को नहीं जाएंगे तब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। भैरव का मंदिर? तुम्हें क्या जुमान? जब मैं बीमार हुआ था तो दादी माँ ने वहाँ जाकर मन्नत मांगी थी तो मैं अच्छा हो गया। फिर अभी तक बताया कि नहीं? जल्दी चलो। लेकिन चढ़ावे के लिए रुपया कहाँ है? पूजा का सामान किधर है? चलो रेडी से मांग लेते हैं। ओहो, यही तो मुसीबत है ना, हम किसी को चढ़ावे की बात बोल नहीं सकते। अगर किसी को मन्नत की बात कह दी तो सारा असर खत्म हो जाएगा और माँ अच्छी नहीं होगी। ओ पैसे मिल गए। कहाँ? डैडी के कोट में, मैंने इन्हें सुबह रखते हुए देखा था। तुम पूजा का सामान तैयार करो, मैं अभी लाता हूँ। चिंगारी निकलती है फूल नहीं खिलती। सुनील को इसकी सोबत में रखकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, लेकिन आज से इसका साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। क्यों चोरी की तुमने? क्यों चोरी की? बोल क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? क्यों चोरी की? अगर तू ये बेकार नहीं है तो भगवान ने जो मार दे दे, मैं मर जाऊं तो जो मेरा जी चाहे करना, जो मेरा जी चाहे करना, जो भी करना चाहे करना, मैं जो भी चाहे करना, जो भी चाहे करना। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। झूठ, फिर झूठ, फिर झूठ। ये देखो पूजा का सामान। अनिल, ये सब कुछ तूने मेरे लिए किया, फिर उन्हें क्यों नहीं बताया? भाग्य उन्हें क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो सारी मन्नत खत्म हो जाती, तो तुम्हारा बुखार कैसे उतरता था? मेरे शर्मा, मुझे माफ कर दे, तुझ पर उठने से पहले हाथ टूट क्यों नहीं गए? टूट क्यों नहीं गए? सुनील, खबरदार, मैंने फिर कभी तुझे इसके साथ देखा। चलो मेरे साथ। सुनो, तुम
हमें गलतफहमी हुई है अनिल। मैं किसी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। आज से ये दोनों अलग रहेंगे, ये मेरा अटल फैसला है। चलो डैडी। चलो सुनील। तुम यहां क्यों आए? भागे यहां से, भागो। अनिल, मुझे डैडी की बात अच्छी नहीं लगी और तुम्हारे ये आंसू भी मुझे अच्छे नहीं लगते। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पटाखे लाया हूँ। नहीं भैया, तुम मुझे पटाखे दोगे तो डैडी तुम्हें मारेंगे। उन्हें पता नहीं चलेगा, अगर पता लग गया तो मैं तुम्हारे लिए मार खा लूंगा। बस चलो। ये सब तुम्हारे, जब खत्म हो जाएंगे तो और ला कर दूंगा। इससे पहले मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। मना करने के बावजूद तो इसके अंदर नहीं छुपा। ना वापस कर। नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? चल वापस कर। नहीं दूंगा। बाप भी वापस करेगा। चल भैया के पास बताती हूँ तेरी हरकतें। नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? आज तेरी ऐसी मरम्मत करवाती हूँ कि तू जिंदगी भर इसका नाम नहीं लेगा। चल नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। चल ना। अनिल, अनिल की बच्ची पेदर। अनिल, अनिल की बच्ची। अनिल, अनिल, अनिल की बच्ची। यहाँ चल। अनिल, 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 चल ना। अनिल, अनिल, अनिल। जिसे जाना चाहिए वो भी जाएगा, इसे यहाँ से फौरन भेजने का इंसान को। लेकिन कहाँ जाएगा ये? मैं नहीं जानता। तो फिर मैं कैसे जानूंगी? ये तो वहीं रहेगा जहाँ मैं रहूंगी। शादी मैंने तुमसे की है, मैं सिर्फ तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं दे रखा। तो तुमने क्या सोचा था कि शादी के बाद मैं इसका गला घोंट दूंगी या इसे भीख मांगने के लिए बाजारों में छोड़ दूंगी? मुझे भी नहीं मालूम था शादी करके मैं घर नहीं बसा रहा बल्कि अनाथ आश्रम खोल रहा। प्रकाश, जहाँ मुझे एक शाम के सपोले को दूध पिलाना पड़ेगा। तुमने इसे नहीं बल्कि मुझे जलील किया है। जिंदगी के जिन लम्हात को मैं भूल चुकी थी उन्हें घसीट कर मेरे मुंह पे दे मारा है। अगर मेरी बेटी जिंदगी पर कीचड़ उछलना थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने तो तुमसे अपनी उछली हुई मांग में सिंदूर भरने की भीख नहीं मांगी थी। मैंने शादी की थी तो इसके खातिर, इसके भविष्य के लिए। अगर ऐसा ही है तो फैसला कर लो, तुम्हें बेटा चाहिए या पति? दोनों ही, मैं माँ भी हूँ और पत्नी भी। तो कश्ती में पांव रखकर दरिया पार करना नामुमकिन है। तुम्हें दो में से एक को छोड़ना ही होगा। मैं जवाब चाहता हूँ। जवाब? जवाब ये नहीं, मैं दूंगा। तुम दोनों की जिंदगी में तूफान लाने वाला ये बच्चा नहीं बल्कि ये कुटनी है। अगर निकालना तो इसको कैसे निकालो? क्या कहा? आंख निकाल के बात करी को एक ऐसा झापट दूंगा कि दोनों आंखें भर आ जाएंगी। मैं तुम्हारे से भी ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। बजाय उसको डांटने के उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो, उसके बहकावे में आके इस बेचारे यतीम बच्चे को घर से भी निकालना चाहते हो? मैं जो ठीक समझता हूँ वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। अगर वही भाभी करती तो सोचो आज तुम्हारे बेटे की क्या हालत होती। वो सोतेली बनकर इस घर में आई थी लेकिन सगी बनकर रही। तुम्हारे बच्चे को सीने से लगाया, उसको मां का प्यार दिया लेकिन तुम उसके बेटे को अपना बेटा नहीं बना सके। पकड़ मत, चलिए यहाँ से। अरे यहाँ से क्या, मैं तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। जिस घर के अंदर इंसानियत नहीं है उस घर में रहकर फायदा क्या है? मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। मुझे याद नहीं करना, मैं नहीं रहूंगा तो डैडी से तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। वो भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहना। तुम कहाँ जा रहे हो?
बाबा के पास। बाबा के पास? मगर वो कहाँ है? उनका पता इस घर में। अच्छा भैया, माँ का ख्याल रखना। अनिल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं, झगड़ा तो मेरे कारण होता है। तुम्हें तो माँ और डैडी दोनों ही प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना, जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। नहीं सुनिए, तुम इस मुसीबत में ना फंसो। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। माँ ने कहा था ना, भाई को भाई का साथ देना चाहिए, जिस तरह लक्ष्मण ने राम का साथ दिया था। चलो। गाड़ी से अपने पोते को देखने चले गए। चले गए? हाँ बेटे। अब क्या होगा? क्या बताऊं भैया? शायद भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। रतनलाल जी, आप गए नहीं? सुबह की गाड़ी छूट गई थी, अब जा रहा हूँ। पिताजी। बेटे तू यहाँ, खैरियत तो है? दोनों बच्चे घर से भाग आए हैं। भाग आए? आखिर क्यों?
डैडी क्या करें? भागो, नहीं तो मारेंगे। सुनील, सुनील, ठहरो।
आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो, मुझे जिंदगी में गम के सिवा और कुछ नहीं मिला, मुझे और गम मत दिखाना। अनिल चुप क्यों है, चुप क्यों है, बोलना, मुझे माँ कह के पुकार ले अनिल, अनिल बोलना बेटे, बोलना बोलना। अनिल बेटे, अभी सांस का रिश्ता बाकी है, भगवान से प्रार्थना करो। अनिल, अनिल बेटा, देखो बेटा, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर तुम्हारा बाबा खड़ा तुम्हें आवाज दे रहा। बोलो बेटा, बोलो। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा, बोलो, बोलो बेटा। बाबा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना बाबा। नहीं बेटा, तुम दादा के साथ नहीं, अपने बाप के साथ जाओगे। आओ मेरे पास आओ, आओ। डैडी, माफ कर देना, मैं दूसरों के बहकावे में आ गया, मुझे माफ कर। ना जाने तुम जैसे कितनी मासूम कलियां हम यीशु की वजह से वक्त से पहले मुरझा जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, हाँ अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे साथ चलो।